एकदम ब्रांड न्यू हो गई है, चालू हुई यार। अंकल जी कब आ जाओ, मैं शाम बच्चों की बुलाते हैं। हम नहीं बुलाएंगे, हिंदुस्तानी है जी। पासपोर्ट दिखा। नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। फिर पाकिस्तान में कैसे घुस आया? तारों के नीचे से आए हम। तारों के नीचे से? हाँ, लेकिन परमिशन लेके आए। जनाब बिल्कुल मेंटल है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेरणा, हमारे न्यूज चैनल आइजम्स न्यूज में। बजरंगी भाईजान से आपको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली सर, उससे पहले भी आपने बहुत सारी फिल्में की हैं। बजरंगी भाईजान तक आने तक का सफर कैसे शुरू हुआ सर? वो ऐसे ही कैजुअली शुरू हो गया था सर, क्योंकि मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स थिएटर करते थे सर, तो थिएटर करना स्टार्ट कर दिया। तब सोचा नहीं था फिल्म में आऊंगा। वो थिएटर को देखने के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी आते थे वहां पे लखनऊ में, तो उसमें दिल्ली दूरदर्शन के कुछ प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो दूरदर्शन के सीरियल चालू हो गए। फिर उसके बाद बॉम्बे की फिल्में दिल्ली बनने आने लग गई, तो दिल्ली वालों ने फिल्मों में लेना शुरू कर दिया। तो बहुत कैजुअली, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस काम था। तो सर ये जो आपका सीन है पाकिस्तान में, जो आपकी शूटिंग पाकिस्तान के दृश्य फिल्माया गया है, ये शूटिंग वास्तविकता में कहां पर हुई थी? दिल्ली में। वास्तविकता में ये मंडावा में हुई। अच्छा। राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है ये, अपना बहादुरगढ़ से करीब रेवाड़ी है ना, बहादुरगढ़ से रेवाड़ी जाते हैं आप, रेवाड़ी से करीब 70 किलोमीटर आगे है मंडावा, वहां पे हुई थी। सर सर बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिल्म लाइन में आने के लिए, उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखो हमारी जो शुरुआत हुई थी वो तो हुई थी ऐसे शौक में, शौक था तो थिएटर देखा एक पहले दिन, तो उसके बाद अपनी भी इच्छा की यार ये काम मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने तो थिएटर ज्वाइन किया था और सोचते ही नहीं थे कि फिल्मों में आएंगे। और करीब 17-18 साल में यूपी में मैंने थिएटर किया, और उसके बाद जब ये प्रोड्यूसर्स वगैरह दूरदर्शन के देखने आने लग गए वहां पर, अपने आप ही इनवाइट करने लग गए, अपने आप ही लोगों ने मुझे बुलाया और अपने आप ही क्योंकि स्किल्ड था इसलिए पहुंच गया सर। आपको दो चार लाइनें बोली, एक लाइन बुलवाते हैं होल्ड करा देते हैं। आजकल जैसे बॉम्बे के जो सीरियल मेकर्स हैं वो आजकल बोलते हैं ना आपको के भाई हमको तो फेस चाहिए, हम एक्टिंग करा देंगे, वो ठीक बोलते हैं सर। क्योंकि उनको पता है अगर आप रॉ हैंड भी हैं बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और थोड़ा सा डायलॉग याद करने का सिस्टम अगर कम भी है तो चल जाएगा। कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि आप ऑर्डर को तुरंत माने जो डायरेक्टर वहां पे कर रहा है। डायरेक्टर आपसे कहेगा एक लाइन बोलिए और फिर होल्ड कीजिए, तो आप एक लाइन बोल के होल्ड कर दो। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपकी एक फिल्म थी जब तक है जान, उसमें आपके सीन काट दिए गए थे, क्यों सर? ऐसा था कि वो सीन में मुझसे कोई गलती हुई होगी, सीन के अंदर वो अच्छा नहीं लगा होगा उनको, मैंने ठीक से नहीं एक्टिंग करी होगी तो उन्होंने काट दिया होगा। तो इसको माइंड करने वाली बात नहीं है, मैं ये तो जब तक है जान की बात कर रहा हूँ। मैं तो बहुत सारी पिक्चरों मेरे सीन कटे हैं। कौन सी फिल्म सर? मैं आवाज भी हुई तो मैं धन्यवाद देता हूँ। कौन सी फिल्म सर? बहुत सारी फिल्मों में। हाँ जी, और जब तक है जान के बाद और कौन कौन सी फिल्मों में? बहुत सी फिल्मों में मेरे सीन कटे हैं, अरे बहुत सारी कटे हैं। ये उसमें चांदनी चौक चाइना में कट गए, फिर ओ माय गॉड में कट गए, ऐसे करके जो बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें कट गए, तो क्या उनको रिमाइंड कर माइंड में रखने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए इंसान को। सर मैंने जो शाहरुख खान साहब के बारे में सुना है वो ये सुना है कि वो कोई जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करता है और अगर उसकी एक्टिंग उनसे बेहतर होती है तो वो सीन कर देते हैं, क्या सच्चाई है? देखो ऐसा जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं,
आप अपने मन को संतुष्टि देने के लिए जो मेरे आर्टिस्ट ऐसा बोलते हैं, जबकि वो मेरे ख्याल से शाहरुख खान साहब के हाथ में भी नहीं होता सर। वो डायरेक्टर की टीम बैठी हुई है, वहाँ पे राइटर्स की टीम बैठी है, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग मिलके वो डिसीजन ले रहे हैं। और अगर कहीं पे ईगो क्लैश होती है या उसको उनको लगता है कि कोई मेरे सामने ज्यादा पावरफुल आ गया है, तो उनको खुश होना चाहिए, अगली पिक्चर में उसको और बड़ा रोल देके अपने साथ रखना चाहिए उनको। जैसे इरफान भाई के साथ किया शाहरुख खान ने, ये इरफान भाई उनको लगेगा भाई बहुत तगड़े एक्टर है, तो उन्होंने बिल्लू बार-बार फिल्म बनाई, प्रोड्यूस करी, जिसमें इरफान खान को ऐसे हीरो लिया और खुद का अपना छोटा सा रोल उसमें डाला। तो ये सब माइंड में रखने वाली चीज नहीं है। आज जो जिसका कट जाता है वो बेचारा अपने मोहल्ले में बताता है, यार मेरा सीन बढ़िया था कट गया, उस समय उसको दुख होती है, जैसे मुझे भी दुख हुआ था। तो उस समय मैंने भी बहुत ये चीज बोली थी लोगों अपने दोस्तों को कि क्या यार कट गया। तो वहां पे वहां के जो एडीज वगैरह थे ना, मैंने उनसे भी पूछा था, यश चोपड़ा जी गया, मैंने कहा यार मेरा सीन क्यों काट दिया, तो उन्होंने कहा यार लेंथ बढ़ रही थी फिल्म। मैंने कहा फिल्म की लेंथ अगर बढ़ रही थी तो मेरा तो सारा एक मिनट का सीन था, सिर्फ उसी की वजह से लेंथ बढ़ रही थी। तो ऐसा नहीं है, अब मैं थोड़ा समझदार हो गया इस विषय में कि जिसको जो प्लस पॉइंट लगेगा तो रखेगा, तो माइनस पॉइंट लगेगा तो वो हटा देगा। अब माइनस पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अगर उनको मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी या मैं ज्यादा पावरफुल लग गया, ये भी बात ठीक है। कभी कभी ये भी माइंड में आता है कि यार ये आदमी हमसे बेटर थिंक कर रहा है, तो वो आ सकता है उनके मूड में, लेकिन हम ये अभी नहीं बोल सकते इस चीज को जब तक उसका प्रूफ हमें देखने को ना मिले। तो इसलिए माइंड मैं तो नहीं करता, माइंड किसने काट दिया ठीक है। हाँ बस ये है कि मैं फिल्म अब जाके पूरी खुद देख के आता हूँ पहले, फिर अपने मित्रों को बताता हूँ कि मेरा कितना सीन है उसके अंदर। नहीं तो कभी कभी ये होता है कि मैंने बता दिया मेरे इतने सारे सीन है और है नहीं उसमें, तो बेइज्जती बहुत होती है, इंसल्ट होती है वो पूरा। अब दर्शकों को मनोज बख्शी जी कौन कौन सी फिल्में दिखने वाले हैं, आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं? अरे बहुत सारी हैं भाई साहब, करीब 25 फिल्में जो कि कंप्लीट हो पड़ी है, कुछ अभी थोड़ी थोड़ी बाकी है, और वो किसी में डायरेक्टर प्रोड्यूसर का क्लैश हो गया है, किसी में हीरो का डायरेक्टर का क्लैश हो गया है, इसलिए वो फंसी हुई है। जैसे मैं नाम बताऊं आपको कि एक मैंने की थी फ्रीडम सर, फ्रीडम जो की थी वो विवेक अग्निहोत्री साहब उसके डायरेक्टर थे सर, और वो बहुत बेहतरीन डायरेक्टर है। आप किस प्रकार के किरदार निभाने ज्यादा पसंद करते हैं, किस प्रकार के किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है? पसंद मुझे आता है सीआईडी टाइप के रोल सर, जो कि मैंने जब दिल्ली में काम करता था तो मुझे IBN 7 वाले बुलाते थे और मुझे इंस्पेक्टर बनाते थे हमेशा, वो इंस्पेक्टर जो मर्डर की तहकीकात करता है सर, तो मुझे ये तहकीकात टाइप के लोग रोल बड़े पसंद है। आपको पुलिस का रोल आपको बहुत ज्यादा पसंद है? कंफर्टेबल मैं सभी रोल में हूँ सर। सर आप सलमान खान साहब के साथ भी काम कर चुके हैं, आप शाहरुख खान साहब के साथ भी काम कर चुके हैं, दोनों खानों में से आपके पसंदीदा खान कौन से हैं? देखो इस समय मैं बोलूं तो सलमान भाई पसंद सर, जो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सर। शाहरुख खान साहब जो है वो जब मिले थे तो वो मिले, वो बहुत प्यार से मिले थे, वो हाथ पकड़ के, मैं वो थोड़ा लेट आए थे सेट पे, तो उन्होंने वो यश चोपड़ा साहब ने कहा शाहरुख यार तू लंच करके आया था, तो उन्होंने कहा सॉरी मैं क्वीन की पार्टी में गया हुआ था, आपको लंदन की बात कर रहा हूँ और इसलिए मैं लेट हो गया, वो शूट लंदन में ही हुआ था, आपका सीन जो उनके साथ था वो लंदन का ही था। फिर वो मेरे पास आके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के भी छूम के ऐसे अच्छा I'm sorry यार I'm late। तो मैं ये सोच रहा था ये 50,000 करोड़ का शाहरुख खान यार ये कैसा इंसान है, मैं छोटा सा ये कैसा बिहेव कर रहा है मेरा। अच्छा उसके बाद क्या है कि जब सलमान भाई के साथ काम किया तो सलमान भाई का थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे कि ये स्टेट आदमी है, मतलब कोई जैसे होते ना आपके ऑफिस में भी होंगे कुछ लोग होंगे जो आपके बॉस को बहुत मस्का मारते होंगे ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बॉस को मस्का नहीं मारते होंगे लेकिन बड़े ऑनर ईमानदार होंगे, वो बॉस से भी उल्टा बोल देते होंगे लेकिन वो काम वो अपने काम को अपने काम को ज्यादा प्राथमिकता देते होंगे। हाँ सर और बताइए, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत से लोग कोई टिकटॉक्स बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो
आप टिकटॉक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उस पर वास्तविकता में कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है टिकटॉक? देखो वही यार, अपने एक तो अपना टाइम पास हो जाता है, अच्छी बात है लोग टिकटॉक बनाते हैं। बाकी ये है कि मुझे जैसे ही पता चला कि ये टिकटॉक चाइनीज ऐप है, तो मैंने टिकटॉक तो नहीं डाउनलोड किया, करने जा रहा था मैं डाउनलोड, लेकिन मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया। दूसरा तो मुझे ये लगता है कि ये टिकटॉक वगैरह के माध्यम से चाइना हमारे सारे अंदर की इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो मैं जब एक इतना खतरनाक उसने वायरस भेज दिया और पूरे वर्ल्ड को दिक्कत है, तो चाइना, इसका मतलब चाइना के लोग खतरनाक तो ही हैं। मतलब आप उनको आपने मनोज बख्शी टिकटॉक ऐप का बहिष्कार करते क्योंकि वो चाइनीज ऐप है? हाँ, मैं मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करता, मैं क्योंकि सर एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री के राइटर का एक बयान आया था, मैं वो बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा था कि टिकटॉक पर जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो कलाकारी के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। टिकटॉक पर ऐसे ऐसे लोग फेमस हो रहे हैं जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। आपकी क्या राय है इस पर? लेकिन देखो ना, नहीं नहीं वो देखो बहुत नेचुरली है, देखो नेचुरल चीज है वो। अगर एक ऐप है वो फ्री में आपने डाउनलोड कर ली, उसके ऊपर कुछ भी कलाकारी बनानी है वो तो सारी दुनिया करेगी, तो आपको जो पसंद आ रहा है आप सेलेक्ट कर लो ना सर, जो नहीं पसंद आ रहा उसको छोड़ दो सर। सर लास्ट, मेरा लास्ट सवाल आपसे, पूरे देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना महामारी के बीच? महामारी के बीच में यार, जो जो गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देती जाए वो मानते जाओ। संदेश ये है कि भाई इस देश में जैसे ही ईमानदारी शुरू होगी ना, उसके बाद सब कुछ ठीक होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो कोई ऐसा नेता पकड़ो जो बेईमानों को ठीक करने वाला हो, जिसमें दम हो, ताकत हो, बेईमानों को ठीक करे, ऐसे नेता की जरूरत है हमको। और वो अगर ईमानदारी थोड़ी सी भी आ गई ना लोगों के अंदर, 10% भी दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देना, तो सब जगह खुशहाली फैल जाएगी। सर आपका आइजम्स न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।